मानसून के पहले ही मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जहां उमस से लोग बेहाल दिखे, वहीं शाम होते होते ही आसमान में बादल छा गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। बांसगांव क्षेत्र में बिजली गिरने से एक व्यक्ति उमेश पासवान की मौत हो गई, जिनके परिजनों को राज्य आपदा मोचन योजना के तहत 4 लाख रुपए आर्थिक मदद मुहैया कराया जाएगा, जिसके संबंध में जिला आपदा प्राधिकरण के मौसम विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार की देर रात से भारी बारिश की संभावना है, जो 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि जिनके मकान मिट्टी के या पुराने जर्जर हो चुके हैं, वह सावधानी बरतें और बारिश को देखते हुए अपनी अलग से व्यवस्था बना लें, जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 10 तारीख से इधर थोड़ा सा बारिश होने की संभावना रहेगी, तो नगरी क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन आउटस्कर्ट्स में जो गोरखपुर के अन्य तहसील हैं उन क्षेत्रों में बारिश हुई है और वहाँ पे वज्रपात की भी घटना घटित हुई है। बांसगांव तहसील के अंतर्गत एक वज्रपात से आज एक श्री उमेश पासवान जी की मृत्यु हुई है, जिसकी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो इस तरह का मौसम, अब धीरे मानसून का पीरियड स्टार्ट हो चुका है और अभी नगरी क्षेत्र में तो वर्षा तो नहीं हुई है, लेकिन आज संभवतः यह है कि आज सायंकाल से मतलब रात्रि से कुछ हल्की और की वर्षा हो, तो इस तरीके से धीरे धीरे मतलब मानसून और अपना पोजीशन लेगा, तो उसके साथ ही बारिश की संभावनाएँ हैं। इस तरह का जो पुराने मकान है या उमस जो मकान पुराने जर्जर हो चुके हैं या झोपड़ी है या पशुएं हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या व्यवस्था है, कुछ आपदा विभाग द्वारा? देखिए ऐसा है, बराबर लोगों को ये अलर्ट किया जाता है कि जिनके कच्चे दीवार हों या इस तरीके की बारिश हो और लगातार बारिश होने से भी जो कच्चे दीवार होते हैं वो ढह जाते हैं, जिसमें आमतौर पे अगर उसके जो लोग सटे सो रहे होते हैं या रहते हैं उनकी जनहानि होने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अवेयरनेस तो क्रिएशन किया ही जाता है और आप लोग के चैनल के माध्यम से बार बार लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन यदि किसी के साथ ऐसी अप्रिय घटना घटित होती है तो राज्य आपदा मोचक नीति के अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जिसमें 4 लाख रुपए अनुमन्य सहायता है अनुग्रह सहायता के रूप में। तो वह संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उन्हें वह सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सुविधा मतलब ये एक प्राविधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।